जो हम हमको यहाँ पर आने के लिए मौका दिया है और आप लोगों के साथ बात करने के लिए मौका दिया। मेरा नाम शमीम अहमद है, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन के तरफ से चार ब्लॉक बाली, साकरेल, डुमजूर और एसएनसी का सुपरवाइजर है। जो कॉरपोरेशन का स्कीम होता है उसको पब्लिक तक लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। मस्जिद है, आवाज नहीं आ रही है, आपको आवाज नहीं मिल रही है, आप बोल रहे थे तो आवाज आ रही है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। तो ये जो स्कीम्स है, बहुत सारा स्कीम्स है, बाद में फिर बताएंगे। आज जिस मकसद के लिए हम लोग जमा हुए हैं उसी को हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ स्कीम्स है, जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है वो हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से है, एडुकेशन लोन, जो लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं उनको भी लोन दिया जाता है, वो भी हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से है। बहुत सारे ट्रेनिंग है, वो भी हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से है। जो लोग कारोबारी हैं, सिंगल है, अकेले बिजनेस कारोबार करते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको भी लोन दिया जाता है, वो भी हमारे कॉरपोरेशन के तरफ से है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, अनगिनत है, लेकिन अभी जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए उसी के बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहले 10 औरतें मिलकर एक ग्रुप बनाएंगी। ग्रुप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा अगल बगल बाड़ी का हो। मान लीजिए ये बाड़ी 85 वो हम लोग कर लेंगे। हाँ, कभी आसपास का होने से होगा कि कोई भी काम पड़ेगा तो आप आसानी से एक जगह हो जाएंगे। ये स्कीम्स है माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन का। माइनॉरिटीज में आते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, 6 कम्युनिटी हैं। ये लोग यही लोग लोन पा सकते हैं, लेकिन ग्रुप का मामला है तो इसमें 60% माइनॉरिटी और 40% नॉन माइनॉरिटी होने से भी होगा। कॉम्बिनेशन वो हम लोग मिलजुल कर, हाँ कॉम्बिनेशन हम लोग तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा आसपास की औरतें एक जगह हों। 10 औरतें हैं, 10 औरतें मिलकर एक ग्रुप बनाइएगा। ग्रुप बनाने के बाद एक अकाउंट खुलेगा, उसी अकाउंट से लेन देन होगा। हम लोग भी जो कॉरपोरेशन की तरफ से, माइनॉरिटीज कॉरपोरेशन की तरफ से लोन मिलेगा वो आपके अकाउंट में आएगा, ग्रुप के अकाउंट में, और वहीं से आप लोग लीजिएगा। फिर जमा भी उसी अकाउंट में आप लोग कीजिएगा। ये 24 किस्तों, आसान किस्तों में होगा। अगर किसी को 18,000 मिलता है तो 806 रुपया पर हेड 18,000 मिलेगा। 806 रुपया महाना जमा करना है, 24 महीना जमा करना है। उसके बाद हम लोग 18 पेमेंट होने के बाद 22 देते हैं, उसके बाद 25 देते हैं। अगर ये दो लोन टाइमली पेमेंट हुआ तो जो तीसरा लोन होगा 25,000 उसमें आपको 50% सब्सिडी दिया जाएगा। मान लीजिए 25,000 मिला आपको और दोनों लोन माने 18,000 और 22,000 अगर टाइमली पेमेंट हुआ डेट टू डेट तो तीसरा जो मिलेगा वो उसमें 25,000 में 12,500 आप लोगों को सब्सिडी, माने आपको पेमेंट सिर्फ 12,500 करना है, 12,000 आपको 12,500 सरकार आपको छूट देगी, सब्सिडी हम लोग बोलते हैं उसको। लेकिन इसका शर्त है कि टाइमली पेमेंट होगा, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट। इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टाइमली दें। घर में बहुत सारी ज़रूरत होती है, कोशिश यही करना होगा कि टाइमली दें। उम्र 18 से 50 के बीच, कम से कम 18 साल का होना चाहिए और यहाँ का मुकामी होने होगा। जहाँ जो एड्रेस दिया गया है वोटर कार्ड आधार कार्ड में उसी एड्रेस पर आने होगा और किसी दूसरे इलाके का नहीं चलेगा। दूसरे इलाके का अगर ज़रूरत होगा, आपके रिश्तेदार हैं तो उस इलाके में भी होता है, उनको बोलिएगा वहाँ जानकारी करने के लिए। ये हो गया उम्र, किस्त बोल दिए 24 और 806 रुपया और 22,000 का अलग है, 900 रुपया कुछ नहीं है, और जो 25,000 होगा उसको 1,020 रुपया इस तरह का इंस्टॉलमेंट है। ये तीन इंस्टॉलमेंट है, 18,000 का अलग है, 22,000 का अलग है, 25,000 का अलग है। पहले आप 18,000 का ही शुरुआत कीजिएगा, उसके बाद रीपेमेंट हो जाएगा तो फिर हम लोग डिटेल बताएंगे। ज़्यादा बताने से होगा कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा तकरीबन, आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवाल है तो पूछिए तो जवाब देंगे तो और आसान हो जाएगा। मंथली है, मंथली 806 रुपये देना। और कोई सवाल?
कार्ड होना चाहिए। अच्छा, जो लोग जो ग्रुप का एक अकाउंट होगा, कोई भी ग्रुप का एक नाम रख लीजिएगा आप लोग, अच्छा नाम रखिएगा कि उसका असर भी अच्छा रहे।